F&D F5060X इस तरह से इसकी कंटेंट्स है। ये स्पीकर्स 5.1 रिमोट सिस्टम और यूजर मैनुअल केबल्स, काफी सारी केबल्स हैं इसमें इनबिल्ट। और ये सेल जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ये 5 स्पीकर्स हैं, है ना, 2 रियर स्पीकर, 2 फ्रंट स्पीकर और 1 मिड स्पीकर, जिसमें 2 स्पीकर्स हैं इनबिल्ट। और ये रहा हमारा बेस बूस्टर बूफर मेन पोर्शन होम थिएटर का। चलिए इसे निकाल के देखते हैं। ये रहा बूस्टर, इस तरह से बूफर है। ये रहा बूफर। चलिए अब स्पीकर्स देखते हैं। ये रहा एक स्पीकर, एक दूसरा, तीसरा स्पीकर, चौथा स्पीकर और ये रहा सेंटर स्पीकर 5वां। इसमें 2 स्पीकर हैं और एक ट्विटर है, एक ट्विटर है सॉरी। और ये रहा रिमोट कीबोर्ड्स। चलिए अब इसे हम प्ले करके देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो जैसा आप देख सक रहे हैं, मैंने सारे स्पीकर्स को ओपन कर लिया हूँ, सब स्पीकर्स की पन्नियाँ हटा लिया हूँ। इस तरह से इन स्पीकर्स का लुक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, समथिंग ये साइज है इनका। फाइव स्पीकर्स एंड 1 वूफर और 8 इंच की बेस ड्राइव है इसमें। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको जो बूफर है, बूफर में समथिंग 8 इंच की बेस ड्राइव है। ये देखिए 8 इंच बेस बूफर F&D का, काफी अच्छा मॉडल है ये। चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या साउंड मिलता है हमें इसमें 10K के रेंज में। ये रहा बैक पोर्शन होम थिएटर का, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफी सारे फीचर्स दिए हैं पीछे, ये सारे इनपुट फीचर्स हैं, ये देख रहे हैं आप। ये ऑक्सिलरी इनपुट है, ये DVD के लिए इनपुट है, DVD के लिए आप इनपुट यहाँ से दे सकते हैं और ऑक्सिलरी के थ्रू यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। और ये आउटपुट पोर्शन है, 5 पोर्ट बने हुए हैं आउटपुट के लिए यहाँ पे, और ये ऑन ऑफ स्विच है, और ये एंटीना दिया हुआ है FM के लिए, इनबिल्ट FM है इसमें। तो इसमें हमें, चलिए देखते हैं, वायर काफी इजी है इसमें वायर फंसाना। चलिए देखते हैं, इस तरह से हमें इसमें वायर फंसाना है। चलिए एक वायर आपको लगा के दिखाता हूँ मैं, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें, रेड ब्लैक ब्लू ब्लैक एंड वाइट ब्लैक। तो रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक वायर लगेगा यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से सारे स्पीकर्स लगाने हैं हमें इसमें।
जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारी केबल्स सेट कर दिया हूँ इसमें। कलर कोड के हिसाब से। और ये रहा इसका फ्रंट व्यू, देख सकते हो इस तरह से इन्हें सेट करना है। चलिए अभी इसे प्ले करके इसका साउंड चेक करते हैं कि कैसा क्या साउंड देता है। तो मैंने पावर सप्लाई दिया हूँ सिस्टम को और इस तरह से ये ऑन हो गया है। इसे ऑन करने के लिए स्विच दबाएं, ऑन। जैसे ये ऑन होता है बहुत अच्छा एलईडी इफेक्ट देता है, बाय लुक तो ये बहुत ही सेक्सी है। चलिए देखते हैं इसका साउंड किस हद तक बढ़िया है। चलिए इसका साउंड चेक करते हैं अब हम। तो ये रहा इसका रिमोट, काफ़ी फीचर्स है इसमें, वॉल्यूम अप डाउन और चैनल ट्यून के लिए भी है, एफएम के लिए, और बेस ट्रबल सबसेट करने का ऑप्शन है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप पांचों स्पीकर्स का वॉल्यूम सेट कर सकते हो, फ्रंट सेंटर और रियर स्पीकर्स का वॉल्यूम यहाँ सेट कर सकते हो, सब वूफर का साउंड सेट कर सकते हो यहाँ से आप, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले इसका सबसे अच्छा फीचर है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें इनबिल्ट है। तो चलिए हम इसे ब्लूटूथ इनेबल्ड करते हैं सोर्स के थ्रू। ये देखिए, चलिए इसका सोर्स बदलते हैं, ये ब्लूटूथ पे ला दिए हमने इसे। हम अपने फोन के थ्रू से ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन कर लिए हमने हमारे फोन का, और सर्च ब्लूटूथ, ये आ गया F&D F5060X। कनेक्ट किए, ये ब्लिंक करने लगेगा, जैसे ही कनेक्टेड होता है ये स्टिल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा इस फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी में, क्योंकि पेयर भी होगा साथ में। चलिए जब तक ये कनेक्ट हो रहा है मैं आपको बता दूं कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है। सोर्स की बटन के थ्रू हम इसे ब्लूटूथ से, और डीवीडी के थ्रू, ऑक्सिलरी के थ्रू, और ये एफएम फंक्शन है, एफएम अगर आप सर्च करेंगे तो एफएम कनेक्ट हो जाएगा इससे, और ये भी डीवीडी का इस फंक्शन है, और ये ब्लूटूथ, इतने फंक्शन है इसमें कनेक्टिविटी के। चलिए ये कनेक्ट हो गया है, अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि कैसा साउंड है इसका। अभी इसका वॉल्यूम मीडियम है, 15 पे है। हम इसे प्ले करने के बाद इसका वॉल्यूम अप करके देखेंगे। चलिए थोड़ा बेस बूस्टेड साउंड लगाते हैं। बेस काफी अच्छा है इसका, हम इसका वॉल्यूम अप करके देखता हूँ। Oh,
तो इस तरह सा था ये F&D F5060X। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी फुल मिनिमम रेंज में हाई डेफिनेशन साउंड सिस्टम चाहते हैं तो मैं इससे रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ले सकते हैं। पर हाँ, अगर आप बेस लवर हैं